नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि भाई वीडियो पूरा देखना, नहीं देखे हुए तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आप मेरी धमकी समझ सकते हैं, क्योंकि मैट्री एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। समझ गए बात को? और ये मैटर बता दूं, राजस्थान, इंडिया, राजस्थान, राजस्थान में जयपुर यानी मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये मैटर आया है मलेशिया से। जी हाँ, अब मैटर पूरी स्टोरी में बताऊंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। शेयर इसलिए करना है कि इस लड़के के घर का हमें पता लगाना है, और उनके घर वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ये इनके घर वालों तक ये न्यूज़ पहुंचे, वो ज़रूर कांटेक्ट कर लें, वरना ये घर वाले अपने बच्चे को भूल जाएंगे। ये सच्चाई है, पता ही नहीं लगेगा बच्चा कहाँ है इनका। डिटेल से हम बात करेंगे भाई, क्योंकि ये ज़रूरी, जल्दी से जल्दी पता लगना ज़रूरी है, वरना ये बंदा 10 साल के लिए अंदर जाएगा जेल में, क्योंकि इसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा है मलेशिया में। अब ये डिटेल से कि मैटर हुआ क्या, कैसे हुआ, शेयर कर दीजिए भाई, खास तौर से क्योंकि इसके घर का एड्रेस हमें नहीं पता है, इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, उम्मीद हम ये करेंगे। और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शेयर कहाँ कहाँ होता है? फेसबुक पे, क्योंकि हर वो आदमी फेसबुक चलाता है जिसको यूट्यूब बहुत कम लोग देखते हैं, शेयर भी नहीं होता, लेकिन फेसबुक पर ये वीडियो अच्छी तरह से शेयर किया जा सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको हम टाइटल दिया भाई, कच्ची उम्र का प्यार इंसान को परेशान कर देता है। जी हाँ, ये माजरा है मलेशिया का, एक हमारे राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया मलेशिया से, अभिषेक उपाध्याय ना आया, तभी मैं बोलता हूँ भाई लड़का मोमडन है, हेल्प करने वाला हिंदू है, तभी ये बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं रखा नेताओं के चक्कर में आके, ये धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर कमेंट करना, गालियाँ देना, नफरत पैदा करना, क्योंकि मुसीबत में इंसान इंसान के काम आता है, धर्म जाति पर ये नहीं आते काम। समझ गए बात को? अभिषेक उपाध्याय ने मुझे मैसेज किया, पहले मैसेज किया, आपको पता है इतने सारे मैसेज आते हैं गौर नहीं करता, लेकिन मैं सुन लेता हूँ वो इसकी बंदे का मैसेज क्या था। तो मैंने सुना, उसने बोला कि सर फतेहपुर सीकरी नहीं, राजस्थान सीकरी का एक बंदा है आबिद नाम का, वो जेल में फंस गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब मैंने उसको वॉइस किया कि भाई अगर ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ बिना फीस दिए, आप सबको पता ही होगा। मैंने उसको रिप्लाई दिया भाई फतेहपुर सीकरी एक यूपी में है, तो आप यूपी का है या हमारे राजस्थान सीकरी नहीं है, राजस्थान सीकर है, डिटेल चेक करें फिर मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर मैं सुबह आपको बताता हूँ। सुबह उनका फिर मैसेज आ जाता है 5:30 बजे, मैं मैसेज 7 बजे देखा, तो उन्होंने बोला सर, उसने फिर एक मुझे एविडेंस भेजा, जो मनी ट्रांसफ़र से पैसे उसने डाले थे उसमें राजस्थान सीकर का नाम था। जी हाँ, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र से उधर से पैसे डालते हैं तो एड्रेस तो आता होगा ना, तो उनके पास वो था, तो मुझे भी भेजा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर नाम लिखा है राजस्थान सीकर। ये आबिद नाम का, मोहम्मद आबिद नाम का बंदा मलेशिया में ड्राइवर का जॉब करता है, अगर मलेशिया आप रहते हैं तो पेनांग, हालांकि मैं भी पेनांग में गया हूँ, ये काफ़ी दूर है कोलालंपुर से, लगभग 350 किलोमीटर के लगभग, ये जहाँ तक लग रहा है, वहाँ पे ये बंदा जॉब कर रहा था। अब आपको पता है भाई कच्ची उम्र होती है, इसकी आप फोटो देख सकते हैं, मोहम्मद आबिद ये फोटो है, अगर कोई इसको पहचानता है तो भाई कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लें। ये बंदा वहाँ पे ड्राइवरी का काम कर रहा था, पड़ोस में कोई लड़की रहती थी अपनी फैमिली के साथ में या अपनी मदर के साथ में, वो भी केरला की, बताइए, जैसा कि मुझे अभिषेक उपाध्याय ने बताया वैसे मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। उस लड़की से उनका प्यार हो जाता है, लड़की की उम्र मात्र 16 साल है, जी हाँ, कच्ची उम्र का प्यार जिसको बोल सकते हैं। आपको पता है उनसे उनके इनकी दोस्ती हो जाती है, आना जाना घर पे होता है, उसकी मदर को भी शायद जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि लड़के ने ये बताया कि वो उनको पैसे देता था। जी हाँ, और जब से पैसे देना लड़के ने बंद कर दिया तो माँ बेटी ने किया क्या, मिलके उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया। जी हाँ, पुलिस केस कर दिया, हालांकि मलेशिया सेक्स फ्री कंट्री है, वहाँ पे ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन अगर आप जो कोई चाह के पुलिस केस कर देता है तो पुलिस एक्शन लेती है, आप सबको पता है। जी हाँ, अचानक से पुलिस आई, वो लड़के घर पे 5-6 थे, उस लड़के को उठाया, उसको जीप में डाला और उसका पूरा सामान था वो भी साथ में लेके चले गए, क्योंकि मैंने पूछा यार आपका साथी दोस्त है तो आपके पास उसका एड्रेस पता कॉन्टेक्ट नंबर तो होना चाहिए। बोला सर कहाँ से मिलेगा, अचानक से पुलिस ने उसका पूरा सामान उठा लिया जिसमें पासपोर्ट बैग में था, मोबाइल भी ले लिया, तो भाई कैसे मिलेगा, आप विदेश में रहते हैं, आपके साथी का पूरा अचानक से उठा के सामान ही ले जाए तो आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं बचेगा। संयोग से उनके पास एक स्लिप थी, स्लिप में ये लिखा था राजस्थान सीकर मोहम्मद आबिद नाम का लड़का है, तो उसने बताया पुलिस लेके गई। फिर हम उनके घर वालों के पास गए भाग के 5-6 लड़के, तो उसकी माँ ने ये बोला कि 30,000 रिंगिट अगर आप देते हो तो हम समझौता कर लेंगे। 30,000 रिंगिट का, हालांकि 18 का भाव है, इधर से करेंसी आउट इन आउट होती है तो 20 में पड़ जाती है, 6 लाख रुपये उन्होंने मांगे हैं कि भाई 30,000 रिंगिट अगर आप देते हैं तो हम आपसे समझौता कर लेंगे। अब ये बात उन्होंने मुझे भेजी, पुलिस में भी वो गए, उन्होंने बोला यार आप पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं ना, विदेशी बंदा है,
आप जाके बात करिए कि भाई इनके घर वालों का एड्रेस पता तो दीजिए, हम उनसे कॉन्टेक्ट करें। पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया। पुलिस मलेशिया की हरामी है, ये बात समझ लेना। वो घूस खो रहे हैं, उनको पैसे दोगे तो वो काम करने देती है, वरना मिलने नहीं दिया उनको। और कोई उनका, अब एक बात बताइए, जो लड़का जेल में है, पुलिस स्टेशन में है, 3-4 दिन बाद उनको कोर्ट, उन्होंने बोला कि उसको सज़ा सुना देगी कोर्ट, वो जेल चला जाएगा, तो फिर भाई वो घर कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? लेकिन उनके साथ वालों को भी पुलिस ने नहीं मिलने दिया, नहीं उनका घर का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, नहीं उनका कोई एड्रेस पता दिया। उन्होंने बस इतना मैसेज दिया कि 3 दिन में अगर ये समझौता कर लेते हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना इसको कोर्ट में पेश करके जेल भिजवा दिया जाएगा। ये मैसेज मेरे पास आया है। अब वो लड़का बोल रहा है सर जल्दी इनके घर का पता लगाओ, तो कहने का मतलब ये कि भाई 30,000 रिंगिट लड़की के उसके मादर को दे दो और वो समझौता कर लेंगे, उसको घर भेज देंगे। ये सिचुएशन है। तो आबिद मोहम्मद आबिद सीकर का बताया गया है, हो सकता है ये सीकर प्रॉपर का हो सकता है कोई आसपास में गांव का हो। तो भाई जिस जो भी इनसे जानता है तो अभिषेक उपाध्याय है, उसके मैं कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आपका कोई जानकार पहचान का ये बंदा है तो आप ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें। जैसा कि मुझे अभिषेक उपाध्याय ने बताया है वैसे मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। बाकी सच्चाई तो भाई आप लोग वहाँ जाते हो, आपका कोई बंदा वहाँ जाता है तभी पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। ये तो सिर्फ उन्होंने बताया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो प्लीज़ ये मोहम्मद आबिद का पता लगाने की कोशिश कीजिए, वरना भाई बंदा अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो आपको पता है फिर मुस्लिम कंट्री या सज़ा हो जानी है 10-12 साल की, तो बंदा लंबे टाइम के लिए जाएगा अंदर। तो एक सीख आपको भी इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई गलती विदेश में रहते हुए ऐसी न करें कि दोबारा आपको इंडिया आने के लिए दर्शना पड़े आपके घर को और आपके परिवार को। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।